पकौड़ी भैया, सोनू मोनू और सोलोनी बिटिया का पार्सल है। और सुनाओ कैसे हो? बस वैसे ही जैसे होती है गर्मा गर्म कुरकुरी जायकेदार पकौड़ी। पकौड़ी खाकर अगली बार समय लेकर आऊंगा आपके साथ पकौड़ी खाने। चलता हूँ। वाह भाई वाह, अभी बच्चा लोगन का गिफ्ट बेचकर खूब पैसा कमाऊंगा। पकौड़ी की दुकान जो खोलनी है पकौड़ी खाकर। हेलो पकौड़ी अंकल। अरे सोनू मोनू सलोनी बिटिया आओ आओ, बताओ बच्चों क्या काम है? अंकल मेरा गिफ्ट आया है क्या? मेरे मामा जी ने भेजा है। मेरा भी किटू मौसी ने भेजा है। मम्मी पापा ने भी प्रॉमिस किया था, उनका भी गिफ्ट आया होगा। बच्चों तुम लोगों का कोई गिफ्ट नहीं आया पकौड़ी खाकर। पर अंकल हमने अभी कोरियर वाला टेम्पो जाते हुए देखा। अरे वाह बच्चा लोग, वे वे वे, बहुत तेज नजर है। पकौड़ी खाकर कोरियर वाला आया था पर वो स्कूल का स्टेशनरी और लैब का सामान लाया था। तुम्हारे गिफ्ट आएंगे तो पकौड़ी लाल खुद तुम्हें बुलाएंगे पकौड़ी खाकर। मम्मी पापा ने प्रॉमिस किया था कि इस वीकेंड गिफ्ट जरूर भेजेंगे। उन्होंने गिफ्ट तो भेजा है पर तुम्हारे नहीं, मेरे काम आएगा। थकेला पकेला, आज तुम दोनों की कमांडो ट्रेनिंग है। पर हम तो पहले से ही ट्रेंड है भूत बॉस। हाँ हाँ, आलस करने में ट्रेंड हो। सही पकड़ा भूत बॉस, आलसी तो है ये पकेला। अरे ओ तकिए के एडवर्टाइजमेंट, खुद को देखा है? ऐसा लगता है कद्दू सैर करने निकला है, वो भी लुढ़कते हुए। थकेला पकेला, बातें बंद काम चालू। यस भूत बॉस। तुम्हारा एक ही टास्क है पर मुश्किल टास्क है। रोप वे क्रॉसिंग, रोप वे के एंड से तुम्हें लटकते हुए दूसरे एंड तक पहुंचना है। ठीक है, याद रखना लटके हुए अपने बल पर और चीटिंग बिल्कुल मत करना, समझे? जी भूत बॉस। 1 2 3 गो। ये चीटिंग है। तुमने पहले शुरू किया। अच्छा बच्चू। आप लोगों को चोट तो नहीं लगी ना? थोड़ी सी। तुम हमें देख सकती हो? मतलब तुम परेशान हो? हाँ, पर आपको कैसे पता चला? क्योंकि हम दोनों भूत हैं। भूत? अरे डरो मत, हम फ्रेंडली गोस्ट हैं। मैं हूँ पकेला और ये है थकेला। हम उन्हीं को देखते हैं जो परेशान हैं और हम उन परेशान लोगों की हेल्प करते हैं। बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है? पकेला भैया मेरा नाम सलोनी है, मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए गिफ्ट भेजे लेकिन वो गिफ्ट आए ही नहीं। हो सकता है लेट हो गया हो कुरियर वाला। नहीं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड है ना पकौड़ी अंकल, उन्होंने बताया कि कुरियर से स्कूल का सामान आ गया है पर हमारा नहीं आया। मेरी मम्मी ने प्रॉमिस किया था और मम्मी पापा कभी झूठा प्रॉमिस नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आप कौन हो? मैं हूँ थकेला पकेला का बॉस, भूत बॉस। हेलो भूत बॉस अंकल, मेरा नाम सलोनी है। सलोनी, हमने सब सुन लिया है, तुम्हारी परेशानी अब हमारी परेशानी है। थकेला पकेला चलो पहले इस पकौड़ी अंकल का मामला पता करते हैं, ठीक है? हमें पता लगाना होगा कि ये बॉक्स लेकर पकौड़ी कहाँ जा रहा है। क्यों ना हम बॉक्सेस बनकर उस वैन में उसके साथ चले जाएं। वाह पकेला, अभी का टाइम और डेट नोट कर ले, हर साल एनिवर्सरी मनाएंगे एनिवर्सरी। अच्छा आइडिया, कभी कभी तो आता है तुझे।
तुम्हारी बहस पूरी हो गई हो तो काम शुरू करें। हाँ बॉस। ये पकौड़ी लाल तो गिफ्ट्स की दुकान लगा रहा है। मतलब वो ये गिफ्ट्स बेचने जा रहा है। ये तो बच्चों के साथ बहुत बड़ी चीटिंग कर रहा है। थकेला पकेला, बच्चों को दिया गया गिफ्ट चुराने वाले चोर से बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। हमें इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। बम्पर सेल! अरे 500 का माल 200 में, 800 का माल 300 में, ले लो, पकौड़ी खा के ले लो। पापा पापा टॉयज। बोलो बच्चे, कौन सा टॉय दूं? हाँ? पापा, मुझे वो रेड ओरांगटन चाहिए। चॉइस है बेटा, वाह, ये लो बेटा पकौड़ी खा के। सब खिलौने बेचूंगा, खूब कमाऊंगा, अपनी पकौड़ी की दुकान बनाऊंगा। चोरी का माल बेचते हो पकौड़ी, शर्म नहीं आती? मैं सलोनी का खिलौना हूँ जो तुमने चोरी किया है। पापा, टॉकिंग ओरांगटन, मुझे यही वाला रेड ओरांगटन चाहिए। गजब बंदर है, ये तो भागता भी है पकौड़ी खा के। वाओ, कितना मस्त टॉय है ये। अरे रुको, अरे कहाँ जा रहा है ये? बेटा टेंशन ना लो, मैं अभी उसे ले आता हूँ। भाई साहब, आप जाना नहीं है पकौड़ी खा के। ओए बंदरू, मेरे बच्चे, मेरे आलू के पकौड़े नीचे। मार दिया रे मेरी कमर। क्या हो रहा है? पहले बंदर और अब खिलौने हेलीकॉप्टर असली बन गया। बचाओ! अरे ये क्या हो रहा है? अरे मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे हेलीकॉप्टर वाले भैया, हमें छोड़ दो। अच्छा, छोड़ दे, ठीक है जी, ये लो, छोड़ दिया। आजा, जमीन पर कैसे आएगी रे मछली? क्या हो रहा है? मछली जमीन पर कैसे गड़ी है? बंदर बात कर रहा था, टॉय हेलीकॉप्टर ने आकर मुझे हवा में उछाला। अब सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? ये कैसे किया आपने? आप लोग जादूगर हैं? हम जादूगर नहीं, भूत हैं। भूत? ये हैं थकेला पकेला और मैं हूँ इनका बॉस, भूत बॉस। हम दोस्तों के दोस्त हैं और पापियों के दुश्मन। तुम बच्चों के खिलौने चुराकर बेचते हो।
और सिर्फ इसलिए कि खुद की दुकान बना सको। खुद के सपनों के लिए बच्चों का दिल तोड़ते हो। बच्चों को दुखी करके आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ। सॉरी भूत बॉस, अब नहीं तोड़ूंगा कभी बच्चों का दिल। मुझे जाने दो, अपनी गलती मैं मानता हूँ। मैं बच्चों के सारे खिलौने, उनके सारे गिफ्ट उन्हें वापस कर दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू पकौड़ी अंकल, थैंक यू वेरी मच। हाय, स्कूल वाले दिन याद आ गए। दोस्तों के साथ पार्क में घूमना, खेलना, मस्ती मारना। भूत बॉस, तो क्यों ना हम भी ऐसे ही एक भूतिया पार्क में चले। भूतपुर के पास अप्पू चप्पू नदी के किनारे अमावस की आहट नाम का एक भूतिया पार्क है। वहाँ एक से बढ़कर एक चीख निकालने वाले रोलर कोस्टर हैं, चकरा देने वाले ऑक्टोपस राइड है और बस बस बस। सुनाओगे ही या दिखाओगे भी? चलो चले। बाय 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 बाय।